डीआरडीओ और एलएनटी अभी इंडियन आर्मी के लिए लाइट टैंक्स को बनाने वाले हैं और एलएनटी का कहना है कि वो साल में 100 टैंक्स को डिलीवर कर सकते हैं। रशिया से अभी स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने के लिए आरएफआई को इशू किया गया, लेकिन क्या स्प्रूट टैंक्स चाइना की टाइप 15 टैंक्स का सामना कर पाएंगे? लद्दाख में तनाव को बढ़ाने के पीछे चाइना की असली मकसद कुछ और लग रहा है और अभी चाइना की नज़र दौलत बे गोल्डी के साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर पर है। पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया और साथ ही भारत को अभी US-2I या फिर बरीब 200 जैसे एमपीपीएस एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के लाइट टैंक्स को लेके है। सबसे पहले इसके बारे में लाइफ फर्स्ट डिफेंस में एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक भारत को अभी कम से कम 300 लाइट टैंक की जरूरत है जिनको एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। अभी इनको खरीदने को लेके काफी सारे डिबेट किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग इसको इम्पोर्ट करने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग अभी इंडिजिनस लाइट टैंक को डेवलप करने के बारे में जोर दे रहे हैं। लेकिन अभी लद्दाख में हमें लाइट टैंक्स की काफी जरूरत है, जिस वजह से फास्ट ट्रैक मोड में कुछ लाइट टैंक को इम्पोर्ट किया जा सकता है और इसमें अभी भारत की तरफ से रशिया की स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने का विचार किया जा रहा है। इसका वजन बस 18 टन है लेकिन इसमें 125 mm का मेन गन लगा हुआ है जो कि हमारी T-72 या फिर T-90 टैंक से सिमिलर है और इसके लिए हमें अलग से अमुनिशन भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये चाइनीज टैंक्स के मुकाबले हमको काफी बेहतर फायर पावर भी दे सकेगा। रशिया का कहना है कि अगर इसको तुरंत ही ऑर्डर किया जाता है तो वो कुछ ही महीनों के अंदर ही हमको 20 टैंक को डिलीवर कर सकते हैं। इसके साथ एलएनटी और डीआरडीओ की तरफ से भी अभी एक इंडिजिनस लाइट टैंक को बनाने का फैसला किया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक वो भी K9 वज्र टी चेसिस को बेस करके उसी के ऊपर एक 105 mm की मेन गन को फिट करने वाले हैं और एलएनटी अभी इंडियन आर्मी के लिए K9 वज्र टी गन्स को बना रही है जिसके लिए 2017 में ऑर्डर को प्लेस किया गया था। ऐसे टोटल 100 गन के लिए ऑर्डर दिया गया था जिनकी डिलीवरी एलएनटी इसी साल के दिसंबर तक पूरा करने वाली है। इसके बाद अगर एलएनटी को लाइट टैंक्स बनाने की इजाजत दिया जाता है तो वो 18 महीने के अंदर इस लाइट टैंक के 3 प्रोटोटाइप को तैयार कर सकेंगे। डीआरडीओ अभी K9 वज्र टी की 155 mm की मेन गन को हटा के उसकी जगह में मॉड्यूलर टरेट और 105 mm की मेन गन को फिट कर सकता है। इसके लिए अभी डीआरडीओ बेल्जियम की जॉन कॉकरेल डिफेंस के साथ बातचीत कर रहा है। इन गन्स की एलिवेशन 42 डिग्री तक होने वाली जो कि हमें माउंटेन रीजन में लड़ाई करने में काफी मदद करने वाली है और K9 चेसिस की बात करें तो इसमें अभी 1000 HP का इंजन लगा हुआ है जो कि नए लाइट टैंक को काफी बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो प्रोवाइड करने वाली है। इसका वजन करीब 35 टन तक हो सकता है जो कि टाइप 15 टैंक से लगभग सिमिलर है और अगर इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो एलएनटी का कहना है कि वो साल में 100 टैंक को भारत को डिलीवर कर सकेंगे। लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है कि कितने टैंक अभी इम्पोर्ट किए जाएंगे और कितने इंडिजिनस टैंक को अभी इंडक्ट किए जाएंगे, पर उम्मीद किया जा रहा है कि अभी इसको 50-50 करके इंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अक्साई चीन एरिया में 50,000 के करीब ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। बदले में भारत की तरफ से भी उनकी स्ट्रेंथ को मैच करने वाली डिप्लॉयमेंट किया गया है। अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक चाइना अभी दौलत बे गोल्डी के पास भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकता है और इसीलिए इंडियन आर्मी की तरफ से पहली बार दौलत बे गोल्डी के पास एक कम्प्लीट ब्रिगेड के साथ साथ T-90 टैंक से कम्प्लीट रेजिमेंट को डिप्लॉय किया गया है और ये टैंक मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। भारत का जो लास्ट आउटपोस्ट है ये दौलत बे गोल्डी के पास ही है और ये सी लेवल से 16,000 फीट की ऊंचाई में मौजूद है। इसके आगे काराकोरम पास शुरू हो जाती है और उस साइड में अभी चाइना की तरफ से अग्रेशन का उम्मीद किया जा रहा है। T-90 टैंक्स के अलावा अभी आर्मर्ड व्हीकल M777 गन साथ ही 130 mm के फील्ड गन को भी लद्दाख में मौजूद सभी फ्रिक्शन पॉइंट में डिप्लॉय किया गया है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत की बात ये हो रही थी कि T-90 टैंक्स का वजन करीब 46 टन के आसपास है और दारबुक साहब डीवीओ रोड की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि T-90 टैंक की वजन को कैरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको एयरलिफ्ट करना पड़ा था। अब दौलत बे गोल्डी भारत के लिए काफी जरूरी है और यहाँ पर अभी चाइना की तरफ से कोई सडन मूवमेंट भी हो सकती है और इसी वजह से अभी T-90 टैंक्स को यहाँ पर डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। चाइना की तरफ से अभी ससगम वैली में 36 किलोमीटर का रोड बनाया गया है जिसे 1963 में पाकिस्तान की तरफ से चाइना को गलत तरीके से गिफ्ट कर दिया गया था और अभी ऐसा संदेह किया जा रहा है कि चाइना अभी G-219 हाईवे को काराकोरम से ससगम वैली तक जोड़ने की कोशिश करने वाला है और इसी वजह से वो अग्रेशन दिखा रहे हैं ताकि बफर जोन क्रिएट कर सके और इंडियन आर्मी को उनकी रोड से दूर रख सके। बदले में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो G-219 के साथ G-314 को जोड़ने की कोशिश करने वाले हैं जिसे
कसगर इस्लामाबाद काराकोरम पास होते कंप्लीट हाईवे की चेन बन जाएगी, जो कि उनको डिस्टेंस के मामले में काफी कम पड़ जाएगा। और इसके लिए वो सिएचिन को भी निशाना बना सकते हैं। और दौलत भाई गोल्डी के साथ अभी चाइना की नजर सिएचिन पर भी है, ऐसा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट संदेह कर रहे हैं। अगला अपडेट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेके है। अब सबको ये बात अच्छी तरीके से याद होगा कि भारत जापान से 12 USTI एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला था, लेकिन ये डील लगभग पिछले 10 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। रिसेंटली चाइना की तरफ से भी USTI एयरक्राफ्ट की तरह अपनी एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट AVIC AG-600 को रिवील किया गया था, और इसे अब तक का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। इन एयरक्राफ्ट की खासियत ये होती है कि इनको कहीं पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, कहीं से भी से मेरा मतलब ये है कि इनको रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है, साथ ही पानी से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिस वजह से ये मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए काफी बेहतर है और इनको सर्विलेंस, रिकॉर्नेंस या फिर ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना पहले से हार्विन की SH-5 नाम की एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। लेकिन हमें ऐसे एयरक्राफ्ट की काफी जरूरत है, क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो काफी बड़ी है, और अंडमान या फिर लक्षद्वीप से ऑपरेट करने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके लिए जापान के साथ 2010 से बातचीत किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सिनमाया के साथ हुई USTI एयरक्राफ्ट की डील फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर ये एयरक्राफ्ट हमारे पास मौजूद है और हम इनको अंडमान में डिप्लॉय करते हैं, तो ये मलाका स्ट्रेट के ऊपर नजर रखने में हमको काफी मदद करने वाली है। वहीं पर जरूरत के वक्त हमारे नेवल कमांडोज को भी इसी के जरिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है। अभी जापान की USTI एयरक्राफ्ट के अलावा रशिया की तरफ से भी वेरी B-200 को ऑफर किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ये डील फाइनल होता है, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से डिले होता हुआ चल रहा है। अगला अपडेट भी लाइट टैंक्स को लेके है। जैसे कि पहले अपडेट में हमने बात किया था कि भारत अभी लाइट टैंक्स को इमरजेंसी बेसिस पर खरीदने वाला है, और साथ ही DRDO और L&T अभी एक देसी लाइट टैंक को बनाने वाले हैं। पर इसी बीच इंडिया की तरफ से रशिया को एक RFI इशू किया गया, जिसमें रशिया से स्रुट लाइट टैंक को खरीदने के लिए प्रपोजल दिया गया है, पर यहाँ पर कितने लाइट टैंक खरीदे जाएंगे इसके बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया है। अभी भारत की तरफ से जिस स्प्रूट टैंक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, ये स्प्रूट का SDM1 वेरिएंट है, जो कि स्प्रूट SD का एक हाईली अपडेटेड वेरिएंट है। स्प्रूट SD को मेनली एयर ड्रॉप करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वहीं पर इसकी SDM1 वेरिएंट को नेवल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था, यानी कि इसे एक तरीके से ट्रेडिशनल टैंक के तौर पर तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़े नेवल जेनेटिक्स भी डाल दिए गए थे, मतलब इसको पानी में भी ऑपरेट किया जा सकता है, और ये टैंक लगातार 7 घंटे तक पानी में तैर सकते हैं। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि इसे चाइना की टाइप 15 टैंक से बेहतर बनाती हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर इसकी मेन गन के बारे में बात करें, तो ये एक 125 mm का ट्रेडिशनल मेन गन है, जो कि नॉर्मल मेन बैटल टैंक में हमको देखने को मिलता है, जबकि चाइना की लाइट टैंक में 105 mm का मेन गन का इस्तेमाल किया गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्प्रूट टैंक फायर पावर और रेंज के मामले में टाइप 15 को इजीली आउट परफॉर्म कर सकता है। टाइप 15 टैंक की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 2 किलोमीटर तक है, जबकि स्प्रूट टैंक 5 किलोमीटर की दूरी से भी हेविली आर्म टैंक्स को मार गिरा सकता है, यहाँ तक कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी भेज सकती है। इसमें भी लगभग वही एमुनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हमारे T-90 टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन बस 18 टन है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है। वहीं पर इसका रेंज भी अच्छा खासा और ये एक ही बार में 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय कर सकता है। अगर टाइप 15 की बात करें तो इसका वजन 35 टन के आसपास है, और भले ही इसका आर्मर स्प्रूट टैंक के आर्मर के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, लेकिन स्प्रूट टैंक के पास मेन बैटल टैंक की फायर पावर है जो कि टाइप 15 के पास नहीं है, और ये एक तरीके से तैरते हुए भी फायर कर सकता है। साथ ही इसका जो सेकेंडरी गन है उसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, और इसको फायर करने के लिए क्रू मेंबर्स को आर्मर प्रोटेक्शन से बाहर आके फायर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे हालात हैं, ऐसे कंडीशन में लद्दाख में डिप्लॉय करने के लिए भारत के लिए स्प्रूट टैंक काफी बढ़िया ऑप्शन है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान की तरफ से अभी ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने अभी भारत के एक ड्रोन को मार गिराया है। इसके बारे में कल पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था, और पाकिस्तानी आर्मी की स्टेटमेंट के मुताबिक पांडू सेक्टर में एक इंडियन ड्रोन को उन्होंने मार गिराया था, जो कि 200 मीटर तक पाकिस्तान के साइड में चला गया था। अब ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं इसको DGISPR की तरफ से किया गया था, और इसके मुताबिक इसी साल के अंदर ही पाकिस्तान ने 10 ऐसे इंडियन ड्रोन को मार गिराया है। बदले में भारत की तरफ से इसको लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया, और वैसे भी ये ड्रोन अमेजोन में आपको 3,000 से 5,000 के बीच मिल जाएंगे, और आप कहेंगे तो मैं भी ऐसा एक मंगा लूंगा, उसको नीचे रख के फोटो खींच के मैं ट्वीट कर दूंगा कि हमने भी पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है, और आप लोग उसको रीट्वीट भी कर सकते हैं।
इनका दरअसल एक तरह का शेड्यूल होता है कि 15 दिन हो गए तो चलो अलमारी से वो पुराना वाला ड्रोन निकालो, उसको नीचे रख के फोटो खींच कर ट्वीट कर दो और बोल दो कि इंडियन आर्मी के ड्रोन को हमने मार गिरा है। पब्लिक थोड़ा खुश हो जाएगी। अब पब्लिक को क्या पता कि इस ड्रोन को डीजीआई एस्पेयर ने अहमद फोटो स्टूडियो से भाड़े पर लाए कि भाई एक फोटो खींच के वापस कर दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।